बट आपको जो मैं दिखाने जा रहा हूँ ये अलग दिखाने जा रहा हूँ, किंग ऑफ महिंद्रा। हेडलैम्प्स हमने S11 वाली इंस्टॉल करी हुई है इसके अंदर, DRL हमने S11 वाली डाल दी और फॉग लाइट हमने S11 वाली डाल दी। 25,000 रुपए में अलॉय व्हील मिलने वाला है, S11 वाले अलॉय, रूफ रेल, जैसा मर्जी पकड़ में झूल जाओ। वाइपर की वर्किंग दिखा देते हैं आपको एक बार, ये देख सकते हो प्रॉपर वॉशर भी लोड कर रहा है इसके साथ। तो इंटीरियर में लेके चलते हैं, डोर पैनल उसके बगैर गाड़ी नहीं आता है, क्लासिक है इसके अंदर बिल्कुल S11 वाला डोर पैनल। चीज ऐसा लगा कर दे रहा हूँ कि ग्राहक देखते खुद खुश हो जाते हैं, तो यार जो चीज हमें चाहिए था वो बहुत पीछे रह गया। इंटीरियर काफी अच्छा लग रहा है इसका देखने में। इसमें कंट्रोल्स ऐड ऑन करे हुए हैं, इसके अंदर मीटर भी S11 वाला लग गया। हाँ, इवेंट क्रोम दिखा होगा आपको पूरी रोलिंग के साथ में, ठीक है, पूरी S11 के पूरी गेट अपडेट। S11 वाला फ्रेम भी इंस्टॉल करा हुआ है इसके साथ, बोतल होल्डर हम लगा दिए और 150 वाट की LED तो है नहीं। कई लोग S11 गाड़ी की वीडियो भी शूट करके कहते हैं क्लासिक दाम ने S11 तैयार किए। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम आए थे जय ऑटो रामा रोड चामुंड भैया के पास। कैसे भैया? बढ़िया। आज क्या दिखा? बहुत दूर चल के आना पड़ता होगा। ठीक है, बहुत दूर है, ज्यादा दूर भी नहीं है, करोल बाग यहाँ से 4-4.5 किलोमीटर की दूरी है। अच्छा काम कराना है तो दूर आना ही पड़ेगा, अगर अच्छा काम करवाना होगा तो 4-4 किलोमीटर को मायने नहीं रखता। ठीक है, तो आज क्या दिखा रहे हो? ये तो स्कॉर्पियो एन चल रहा Z4, ठीक है, बट आपको जो मैं दिखाने जा रहा हूँ ये अलग दिखाने जा रहा हूँ, किंग ऑफ महिंद्रा। अच्छा, महिंद्रा, किंग ऑफ महिंद्रा, ठीक है। तो आज हम दिखा रहे हैं किंग ऑफ महिंद्रा। हम किसे बोल रहे हैं? जय ऑटो, स्कॉर्पियो। अच्छा, किंग ऑफ महिंद्रा तो जय ऑटो हुआ ना, किंग ऑफ महिंद्रा स्कॉर्पियो हो गया। अच्छा, हाँ ठीक है। आज हम स्कॉर्पियो क्लासिक एस दिखा रहे हैं। हाँ, ऐसे जय ऑटो अपने आपको कभी किंग नहीं मानता, ठीक है, किंग यही रहेगा, ठीक है, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो ही रहेगा क्लासिक, ठीक है। तो क्या कर रहे हो आज? इसके झलक देख के पता चल ही रहा होगा क्या कर रहे हैं हम, ठीक है। इंटीरियर में कुछ काम हो रहा है आज। हाँ, इंटीरियर में काम हो रहा है, ठीक है। तो अपना S वेरिएंट है ये। हाँ, ठीक है। क्या कर रहे हो आज इसमें देख लो। तो आज आपको पावर विंडो का काम भी है इसमें, पावर विंडो का भी काम हो रहा है इसके अंदर, एम्बियंस लाइट भी लग रहा है, ठीक है। डैशबोर्ड की रैपिंग हो गया हमारा, इसके अंदर वाइपर एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। इंटीरियर का काम पूरा चल रहा है, फ्लोरिंग हो गया। तो ये हाफ इंटीरियर में, बॉडी पेंट नहीं है, ये हाफ इंटीरियर इसे हम बोलते हैं, ठीक है। पेंटिंग का नहीं है इसमें, सिर्फ लेदर है। हाँ, हाफ इंटीरियर, ठीक है। सेम डे का काम हाफ इंटीरियर में ही चलता है, ठीक है। अगर किसी को पूरा करवाना है पेंट का वर्क तो 3 दिन का टाइम देना होगा, ठीक है। और छत हमारा खुल चुका है, देख सकते हो, और छत में पूरी हमारे इसमें फेविकोल लगना चालू हो गया, ठीक है। पेस्टिंग के लिए हम इसमें पहले यूज करते हैं। हमारा एक इसमें एक लेयर लग गया, दूसरी लेयर जो आगे इसकी जो फैब्रिक होगा उसके ऊपर हम लगाएंगे, ठीक है। तो रूफ ब्लैक कर रहे हैं इसमें। हाँ, रूफ ब्लैक कर रहे हैं, रूफ ब्लैक होगी तो सबसे पहले रूफ निकालिए। और अलॉय व्हील अगर आप ये लोग देख रहे हैं, मैं तो बता देना कि हमने S10 वाली लगा दी है, इसको भी हमने रोक रखी है S10 वाली पे लगाना है। S11 ये S11 वाले अलॉयज इंस्टॉल करेंगे इसके अंदर। अभी हम ये ओल्ड देख के आप ये मत सोचना यही लगा देंगे। हाँ, बिल्कुल, ठीक है। तो अभी सारा काम हो गया वैसे, अभी कहाँ हुआ बॉडी पेंट का इसमें। हाँ, अभी बॉडी पेंट का काम चल रहा है, ठीक है। तो अभी आए नहीं क्लाइडिंग्स वगैरह, भी आए नहीं क्लाइडिंग गया हुआ, फुटरेस लग चुका हमारा, रूफ रेल हमारा लग चुका है, स्पॉइलर लग चुका है, ठीक है। इसमें हमारा देख सकते हो पिलर लाइट, वाइपर देख सकते हो हवा में भी लटक रहा होगा, वाइपर एक्टिवेट करा हुआ है, खड़ा बिल्कुल सैल्यूट कर रहा है, ठीक है। ये देखो सामने दिखेगा आपको, डिफॉगर नहीं है, डिफॉगर नहीं है अपना, ब्रेक S11 वाली ओल्ड। हाँ, ब्रेक लाइट, हाँ, ठीक है। तो अभी कंडीशन कुछ इस तरह से जरा दिखा दो एन वाले भाइयों को, ठीक है। ये रहा एन, Z4 में काम हो रहा है, Z4 में Z8 बना दिया, 4 मत बोलो फ्रंट से, ठीक है। हेडलैम्प्स टॉप वेरिएंट वाले लगे हुए हैं इसके अंदर, लगा दिया हमने तो, ठीक है। अपनी गाड़ी राजस्थान से आई है भाई, जे ऑटो जो है ना, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो क्लासिक, स्कॉर्पियो एन, XUV 700 बेस को बेस नहीं रहने देगा, टॉप बना के छोड़ेगा। कसम खा रखा है, पिछले कई साल पहले हमने कसम खाया है और चलता रहेगा। और सारी महिंद्रा की गाड़ियां करते हैं, सिर्फ महिंद्रा, ठीक है। और कोई गाड़ी कभी नहीं करी इतनी, सिर्फ महिंद्रा ही करना है हमें, क्योंकि सैल्यूट है उनको दिल से, ठीक है। तो इंडियन ब्रांड है, सपोर्ट कर रहे हैं, इंडियन ब्रांड है हमारे, इनको सपोर्ट करना है, ये हमारे देश के लिए सपोर्ट करता है, हम उनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी दिखाते रहेंगे क्या क्या काम होता रहेगा इसके अंदर, और लास्ट में जाके इसका आउटपुट दिखाएंगे। सो फाइनली रेडी हो गई अपनी S11, बिल्कुल फाइनल, ठीक है। अब दिखाते हैं जो एक एक चीज है जो हमने इसके अंदर करी हुई है। हाँ। 2 दिन लगे थे, पहले दिन का शूट नहीं हो पाया, आज ही करी है। हाँ, पहले दिन का शूट नहीं हो पाया था, आज फाइनल हुआ है, ठीक है। क्या क्या करा है इसमें फ्रंट से दिखाते हैं। एक तो बॉडी पेंट, ठीक है, तो मैट में आता था ये, हमने पूरा बॉडी कलर करा हुआ। हाँ। फिर हमने इसमें ग्रीन लगा दी है, ठीक है। तो सेंटर ग्रिल है 3, 4, 5, 6 क्रोम इसमें ऐड ऑन होता है। ठीक है, S11 वाली ग्रिल। हाँ ठीक है। हेडलाइट टॉप मॉडल वाली हेडलैम्प्स हमने S11 वाली इंस्टॉल करी हुई है इसके अंदर। DRL हमने S11 वाली डाल दी है और फॉग लाइट हमने S11 वाला डाल दी है। ठीक है, अब मैं इसको हेडलाइट जला करके आपको दिखाता हूँ। तो हेलोजन ही रखा हुआ है इसके अंदर। हेलोजन ही रखा हुआ है। ठीक है, तो एलईडी की नीड नहीं थी। स्टॉक बाहर से जो गाड़ी चाहिए था स्टॉक S11 चाहिए था, कह रहे थे बाहर अगर मैं निकले भी गाड़ी तो पता नहीं चलना चाहिए कि कुछ अलग से काम हो रखा है। ठीक है, तो अभी फॉग लैम्प जो जला रखे ये भी हेलोजन है, हेडलाइट भी हेलोजन है। ठीक है, हाँ। तो S11 की हेडलैम्प्स भी मिल जाएगी आपको, सारा चीज मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर कॉस्टिंग जाने तो क्या कॉस्टिंग में 16,000 रुपये 16,000 में मिल जाती है। हाँ ठीक है, हेडलैम्प्स हमें आफ्टर डिस्काउंट। ठीक है, और सेंटर ग्रिल अपनी 2,800 रुपये। ठीक है, तो इसकी प्राइसिंग हमने बता दी। अगर तो फॉग लाइट की बात करें तो 2,500 रुपये मिलने वाला है। 2,500। हाँ, और जो DRL मिलता है वो हमारे यहाँ पे 9,500 रुपये मिलता है। कई लोग आपको कम प्राइस बोल करके बुला लेता है, फिर आप कहते हो कि जोटो का प्राइस महंगा है। ये जो जितने हाई लाइट आइटम है इसका प्राइस कम करके आपको बुलाते हैं और फिर बाकी जो सामान है उसमें आपसे ओवर चार्ज लेते हैं। इस चीज़ों पे हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, इस चीज़ से स्कैम से बचना कि कभी भी 2-4 चीज़ पे ना हाईलाइट आइटम पे डाउन करके बाकी पे उठाता है, ये चीज़ पे बचना। मेरे यहाँ पे सारे सामान का प्राइस कंफर्म कर सकते हैं कि सारी चीज़ों का जो प्राइस है ना मेरा एक्चुअली रहेगा। ठीक है, तो साइड से दिखाते हैं साइड से क्या क्या चेंजेस करा हुआ है। 25,000 रुपये में अलॉय व्हील मिलने वाला। ठीक है, S11 वाले अलॉयज 25,000 के सेट ऑफ 4 आते हैं। ये एक का प्राइस नहीं बता रहे हम, बिल्कुल सेट ऑफ 4 का। ठीक है, साइड मिरर 9,500 रुपये। ठीक है, साइड मिरर इसके अंदर ऑप्शन नहीं आता था एडजस्टिंग का, तो हमने अब इंस्टॉल कर दिया। फुटरेस्ट, ठीक है, फुटरेस्ट भी नहीं आता था, वो भी हमने इंस्टॉल करा। 7,500 रुपये 7,500 यहाँ पे देख सकते हो, हमने पिलर की टेपिंग भी की है। ठीक है, ये मैट ब्लैक हमने टेपिंग करी हुई है इसके अंदर, और फिर हमने इसमें डोर वाइजर ऐड ऑन कर दिया। ठीक है, क्रोम लाइनिंग वाला डोर हैंडल भी इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, बॉडी कलर। हाँ, और ये रहा अपना रूफ रेल, तो देख सकते हो। ठीक है, 5,500 बिल्कुल जैसा मर्जी पकड़ के झूल जाओ। ठीक है, तो साइड का जो लुक आ रहा है गाड़ी का कुछ इस टाइप का है, तो देख सकते हो पूरी S11। ठीक है, कहीं से आपको लगेगा नहीं बाहर से देखने में गाड़ी खड़ी कर दो पहचानने से मना कर देगा, बस एक डिफॉगर छोड़िए। ठीक है, डिफॉगर नहीं था कस्टमर की नीड, डिफॉगर दूसरी गाड़ी में। ठीक है, तो बैक से अगर लुक दिखाया तो देख सकते हो स्पॉइलर, ये अपना वाइपर वर्किंग है। ठीक है, कैमरा हमने इंस्टॉल करा हुआ है इसके अंदर। सेफ्टी गार्ड, ठीक है, रियर सेफ्टी गार्ड और रिफ्लेक्टर और बम्पर पट्टा। पिलर लाइट इसका स्कैनिंग मोड दिखा देते हैं एक बार। S11 अभी हम जाते हुए लगाएंगे। ठीक है, ये क्लासिक ऐसा है, अभी तक हटाया नहीं हमने। नहीं, कई लोग S11 गाड़ी की वीडियो भी शूट करके कहते हैं क्लासिक था, हमने S11 तैयार किए हैं। ठीक है, S11 गाड़ी आता है और उसकी वीडियो शूट करके कहते हैं हमने तैयार किए हैं, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हो स्कैनिंग मोड इसका देख लिया होगा आपने। ये वाइपर की वर्किंग दिखा देते हैं आपको एक बार, तो ये देख सकते हो प्रॉपर वॉशर भी वर्क कर रहा है इसके साथ। 8,500 रुपये में आपको वाइपर में चालू करके दूंगा। ठीक है, इसकी भी कॉस्टिंग हमने बता दी। मोस्टली हम चाहते हैं कवर करें कि आप अपना बजट बना के आओ, बजट आप बना करके आओ पहले से ही कि जो जो सामान लगवाना बजट पैकेज बना करके आओ आप। ठीक है, तो एक बार बूट से दिखाते हैं क्या क्या चेंजेस है इसके अंदर। तो ये देख सकते हो इसका इंटीरियर पूरा अलग ही दिखेगा, टैल का है। ठीक है, तो ये इलाका में गाड़ी जा रहा है, मेरे को लग रहा है इकलौती गाड़ी हो गया है भी नहीं उस साइड ऐसी नहीं। ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली इंटीरियर से ऐसी नहीं होगी। हाँ ठीक है, तो देख सकते हो हमने पूरा इसका इंटीरियर चेंज करा हुआ है, अंदर तक दिखाते हैं इसमें पूरा। तो ये देख सकते हो वूफर भी डाला उधर डिवास का। ठीक है, वूफर भी हमने इंस्टॉल करा है। अब स्टेप बाय स्टेप बताते हैं इसमें हमने क्या क्या चेंजेस करा है। सबसे पहले ये जो आता था ये रैपिंग कर दिए, ये पूरा लेदर रैप करके अकॉर्डिंग करा हुआ है हमने। आप फ्लोरिंग देख सकते हैं। ठीक है, ये फ्लोरिंग करा हुआ है हमने। 70 मैट इसके ऊपर से इंस्टॉल करा। ठीक है, बूफर लगा दी हमने। ठीक है, बूफर भी इंस्टॉल करा। पिलर आप देख सकते हैं फिनिशिंग इसकी, पिलर की देख सकते हो फिनिशिंग, देख सकते हैं फिनिशिंग। और इसमें रूफ रैप भी करी हुई है हमने। हाँ ठीक है, तो रूफ ब्लैक करी हुई है जो हमने प्रोसीजर दिखाया था स्टार्टिंग में। हाँ बिल्कुल, जो दिखाया था फिटिंग कैसे होता है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ अंदर एंट्री करवा। ठीक है, तो इंटीरियर में लेके चलते हैं, आप दिखाते हैं। वो सबसे मेन बात होता है इसके अंदर होता है डोर पैनल, उसके बगैर गाड़ी की लुक नहीं आता है। ठीक है, तो ये देख सकते हो क्लासिक है इसके अंदर बिल्कुल S11 वाला डोर पैनल। और ये जो हमने सीट कवर की डिजाइनिंग यहाँ पे डाल दी और यहाँ पे एम्बियंस लाइट फिटिंग करके दी है। ठीक है, हमने सीट कवर के अकॉर्डिंग करा हुआ इसे। टूटर पोर्ट ट्विटर सैश S11 वाला भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने पॉड की तरह इसे यूज करते हैं हम इसे। ठीक है, यहाँ पे वेलकम लाइट आपको मिलेगा एंट्री पॉइंट पे, 70 मिनट हो गया। ठीक है, ये ट्विटर की हमारी इसका जो साइड मिरर एडजस्टिंग, सीट करके फिटिंग देखो, सबसे बड़ी बात होता है इसकी सीट करके फिटिंग आप दिखाओ। ठीक है, उस साइड से चामुंडा भैया आएंगे, हम दिखाते हैं। तो मेन है इसके सीट कवर्स, इसके तो कहने की बात ही तो नहीं। एक बार दिखाते ये जो क्वालिटी आ रही है, सीट कवर लगा के दे रहा है, इसके कहने की कोई बात ही नहीं। चीज ऐसा लगा कर दे रहा हूँ कि ग्राहक देखते खुद खुश हो जाते हैं। ठीक है, क्या तो यार जो चीज हमें चाहिए था वो बहुत पीछे रह गया। तो इंटीरियर काफी अच्छा लग रहा है इसका देखने में। ये पिलर की स्टिचिंग, ठीक है, पिलर देख सकते हो, बी पिलर की स्टिचिंग, सी पिलर, डी पिलर। तो ऐसे एक बार पूरा व्यू देख लो एक बार कैसा लग रही है गाड़ी अपनी। और ये फ्रंट पिलर्स भी देख सकते हो, साथ ही साथ इसमें डैशबोर्ड भी हमने कवर करा हुआ है। तो ये देख सकते हो पूरा हमने इसमें रेड का टच दिया हुआ है। स्टीयरिंग के कवर आप देख सकते हैं। ठीक है, मून डिजाइन में हमने स्टीयरिंग को भी ड्यूल टोन करा हुआ है। हाँ। और साथ ही साथ इसमें कंट्रोल्स ऐड ऑन करे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और इसके अंदर मीटर भी S11 वाला लग गया। हाँ ठीक है, वो भी लग गया स्टीयरिंग यू। ये वाला अपना मैट ब्लैक आता था क्लासिक एस के अंदर, वो हमने चेंज कर दिया। हमारा एसी वेंट क्रोम दिखा होगा आपको पूरी रोलिंग के साथ में। ठीक है, ये आज आपको सेंटर वाला भी दिखेगा क्रोम। हाँ ठीक है, मोस्टली कस्टमर्स ये सेंटर वाला करवाते नहीं है। गियर, ठीक है, ये अपना गियर वाला देख सकते हो। और ये पूरी S11 के पूरी गेटअप दे दी है। S11 वाला फ्रेम भी इंस्टॉल करा हुआ है इसके साथ ही। बोतल होल्डर हम लगा दिए। ठीक है, ये भी हमने यहाँ पे बोतल होल्डर लगा दिया। और 150 वॉट की LED तो है नहीं इसमें, हमने डाले 70 वॉट की LED। ठीक है, साथ ही साथ चामुंड भी इसमें दिख रहा है, हमने सनशेड भी इसमें पूरा करा हुआ काम। ये देख सकते हो ये पूरा हमने इसको भी लेदर राइट करा हुआ है। तो रूफ ब्लैक करवाई है। इसमें एक ऑप्शन और है, स्टार लाइट भी लग सकती थी। स्टार लाइट आप लगवा सकते हैं, वो भी लग सकती थी, काफी अच्छी लगती है उसके लगने के बाद। लेकिन इंटीरियर में देखो कैसे लुक आ रही है इंटीरियर में बैठने के बाद, काफी अच्छी लग रही है। ठीक है, तो ऐसा इससे भी ये हाफ है, ये हाफ इंटीरियर है। हाफ इंटीरियर लोग क्या करते हैं, सीट कवर डोर रैप करके हाफ इंटीरियर बोल देते हैं। ठीक है, वो 54 होता है, वो हाफ नहीं होता, ठीक है, क्वार्टर होता है। ओके, तो इसमें हम ऑप्शन है आपको, ये जो डोर पैनल्स का कलर है ये भी चेंज कर सकते हैं, ये भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने एक S11 बनाई थी इसके लिए फुल इंटीरियर, ये फुल इंटीरियर होता है, फुल इंटीरियर में आता है। जैसा कि हमने जस्ट साहब के जो UP 32 बनाया था, लखनऊ से एक गाड़ी आई थी व्हाइट कलर की S11, उसमें हमने पूरा अंदर का पूरा चेंज कर दिया था। उस तरीके का करना वो भी होता, बट उसके लिए आपको 3 दिन का टाइम हमें देना होगा, 3 दिन का टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई बोर हो गया इस कलर से स्कॉर्पियो के, वो चेंज भी करवा सकते हैं, जे ऑटो वाले बोर नहीं होने देगा। ठीक है, तो साथ ही साथ इसमें जो हमने करा है कैलिबर से करा है, फॉग लैंप या नॉर्मल है? नहीं नॉर्मल है, नॉर्मल करवाया था। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे आपको रेयर वाइपर का ऑप्शन मिल जाएगा, यहीं से कंट्रोल कर सकते हो। और चामुंडा भैया ऑडियो में कुछ करा है इसमें? ऑडियो में वही अपना स्पीकर स्टूडियो, और एक हमने डी बास का आपको बेस्ट टू पीस दिखा दिया था। ठीक है, इनबिल्ट है, इनबिल्ट है। ठीक है, तो और इसके अंदर कुछ करा नहीं है इतना खास। हाँ, जो भी हुआ जो है मेन है इसमें इंटीरियर है, बाकी तो आपको डेली बेस S11 में सारा चीज आपको इसके अंदर मिलने वाला है जो भी चाहिए होता है, एसी के अलाइनमेंट छोड़ के। ठीक है, बाकी अपना जो इंटीरियर पे पूरा ध्यान दिया गया। ठीक है, मेनली इंटीरियर पे ध्यान दिया। ये नहीं चामुंडा भैया के पास आर्मरेस्ट है, आर्मरेस्ट इधर भी मिल जाएगा, आपको भी दिया होगा आर्मरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम बैठ सकते हैं, लड़ाई नहीं करेंगे आगे बैठ के। 5500 रुपए में, 5500 रुपए में, बिल्कुल। ठीक है, सो फाइनली हमने दिखा दिया आपको स्कॉर्पियो कंप्लीट करी हुई इंटीरियर में। तो भैया की गाड़ी रहने वाली है, उनका नाम जानते हैं? योगेश। ठीक है, भैया कहाँ से ट्रैवल करके आए हो? राजस्थान में किशनगढ़ से। ठीक है, तो कैसे पता लगा आपको जे ऑटो के बारे में? भैया का वीडियो देख रहे थे काफ़ी टाइम से। ठीक है, मतलब कि लगा कि अगर गाड़ी मॉडिफाई करानी है तो भैया से ही करवा। ठीक है, जैसे ही वीडियो में दिखाते हैं वैसे ही काम है पूरा 100%। ठीक है, मतलब आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं राजस्थान से कोई देख रहा था। सोचे समझे केवल वीडियो देख के आप गाड़ी लेके आइए। ठीक है, मैंने जो जहाँ ये काम करवाया उससे मेरे को लग रहा है कि मैं 100% सेटिस्फाइड हूँ, तो शायद आप भी होंगे। और मेरी खुद के फ्रेंड हैं, वो कल 2 गाड़ी और आ रही है मेरे कहने, वीडियो कॉल पे देखे हैं और गाड़ी लेके निकल चुके वहाँ से। ठीक है, वीडियो कॉल में देखते ही निकाली थी सीधा, मतलब घर भी नहीं गया था, गाड़ी सीधा यहाँ लेके आ रही थी। ठीक है, तो ऑल ओवर सेटिस्फाइड हो आप? बिल्कुल सेटिस्फाइड। दोबारा मौका मिला, S11 से भी ऊपर कर दी गाड़ी। ठीक है, दोबारा मौका मिला लेके आओगे? बिल्कुल नहीं, वैसे अभी काम इतना अच्छा कर दिया, दोबारा मैं इसको नहीं लाऊंगा, दूसरी गाड़ी को लाओगे। हाँ ठीक है, अगर एक छोटी सी रेटिंग मांगू 10 में से आप कितनी दोगे? 10 में से 10 दे दीजिए। फुल मार्क्स? ऐसा तो नहीं हम बुलवा रहे हो आपसे? नहीं, फुल मार्क्स। ठीक है, तो चामुंड भैया क्या बोलोगे, फुल मार्क्स मिले? भैया इतना बोल दिया कि मैं इतना खुश हो गया कि आगे बोलने वाली शब्द हमारा खत्म हो चुका है। तो इसके आगे तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि किसी भाई को अगर काम करवाना हो तो आपको आना होगा जय ऑटो, रामा रोड, मोती नगर, सेम भैया की तरह आप खुश होकर जा सकते हैं। ठीक है, और बिल्कुल टेंशन फ्री आकर के आप काम करवाइए और जाइए। ऐसा नहीं है कि आपको आने के बाद एक टेंशन रहेगा कि भैया मेरा गाड़ी खरी कहाँ होगा कहाँ होगा। आप इतने देर से तो 2 गाड़ी अभी 3 गाड़ी खरी हमारे पास, गाड़ी छोड़ के जाते हैं, दूसरे दिन गाड़ी लेकर जाते हैं। ठीक है, प्रॉपर शेड के नीचे काम होता है, प्रॉपर शेड के नीचे काम होता है। और जो हमारे स्टाफ के बिहेवियर है वो ऐसा कि आपसे बिल्कुल कोई बात नहीं, बस वो काम से मतलब रखता है। ऐसा कुछ नहीं कि एक लड़के कभी यहाँ का काम कर रहा है, कभी भाग कर कहीं और भाग गया, पूरे स्टाफ एक शेड के नीचे काम करता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है एंड शेयर करना है। ठीक है, शेयर कर देना इस वीडियो को। ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।